अमित साहू हमारे साथ जुड़ रहे हैं औरंगाबाद महाराष्ट्र से। अमित जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है जी। मेरे पास टाटा केमिकल है, 15 शेयर्स 1205 रुपए के भाव पे। 1205 पे 15 शेयर है टाटा केमिकल के, 1027 चल रहा है इस समय। सर्वे जी, अच्छा कितने समय तक रुकने का मूड है आपको अमित? यस सर बोलिए। कितना समय रुक सकते हैं स्टॉक में? 2 महीने और रुक सकता हूँ सर। सर्वे जी, 2 महीने में 177 रुपए की रिकवरी प्लस कुछ प्रॉफिट होगा क्या? नहीं सर, मुश्किल है। मतलब देखिए, अल्टीमेटली होने को तो कुछ भी होता है बाजार में, बट मुश्किल है। लेस देन 5% चांस की ये 2 महीने में इनका ये सब इसमें रिटर्न बनने वाला है। अगर टाइम हो रहा है, दायरा बढ़ाएंगे तो मे बी स्टॉक अच्छा है, चल सकता है। बट 1.5 से 2 महीने के बीच में तो मुझे कोई इतने अभी एक्साइटिंग पैटर्न नहीं लग रहे कि मैं बोल पाऊँ कि इनका प्राइस आ जाएगा, और अगर प्राइस आ भी गया तो प्रॉफिट बनेगा। बट इनको बोल ही सकता हूँ कि करंटली होल्ड रखें। फिलहाल तो एक शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड में स्टॉक चल रहा है, तो होल्ड रखें और जो भी मैक्सिमम हो सके 1.5-2 महीने में, जो भी मैक्सिमम अपसाइड हो सके वो उसको कैप्चर करने की कोशिश करें। बट जब तक उस ट्रेंड में रहते हैं, मेरे हिसाब से फिर भी इनको 1000 रुपए के नीचे, 998 के आसपास इनको क्लोजिंग ओनली एक स्टॉप लॉस लगा के रखना चाहिए। उसके नीचे जाए तो मेरे हिसाब से निकलना चाहिए, क्योंकि फिर इसके नीचे के दायरे खुल जाएंगे। और 6 महीने रुके तो? 6 महीने रुके तो पॉसिबली इनका प्राइस आ सकता है, और एक 5-10% का प्रॉफिट भी पॉसिबली हो सकता है। बट 6 महीना प्लस अगर देंगे तो ही वो सिनेरियोस खुलेंगे। विद इन 1-2 मंथ्स तो मुझे नहीं लग रहा, अनलेस अगर कोई चमत्कार यहाँ हो जाए, तब तक फिलहाल तो कोई ऐसा सेटअप आज की डेट में पैटर्न नहीं दिख रहा है भाई। फिर अमित जी, आपको 6 महीने रुकना पड़ेगा अगर आपको प्रॉफिट कमाना है, अदरवाइज 1-2 महीने में तो मुश्किल लग रहा है कि आपका प्राइस रिकवरी हो उसमें। अगला सवाल है प्रभाकर का, मुंबई से हमारे साथ हैं। प्रभाकर जी नमस्कार, बताइए सर। नमस्कार सर, मेरे पास कैन फैन होम के 1000 शेयर है 553 के भाव से, और दूसरा है पीएमबी 57 के भाव से लिया हुआ है 4000 शेयर। तो पीएमबी का प्राइस आने से कितना टाइम लगेगा वो पूछना उसे। पीएनबी 57 रुपए पे लिया है आपने? हाँ, 48 पे है। अच्छा बताइए, पहले तो पीएनबी बताइए, इनका भाव आएगा क्या 57 रुपया? पहले पीएनबी की, पहले मैं क्या, पहले पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक 57 पे की प्राइस है। जी जी जी, देखिए पीएसयू बैंक में फ्लेवर आया, कंसेंसस हो गया, सब लोग चढ़े। हमेशा ऐसे ही होता है कि ऐसे केसेस में फिर एक करेक्शन आ जाता है, बट ये तो क्लियर कट है कि भाई पीएसयू बैंकिंग में एक अच्छा मीडियम टू लॉन्ग टर्म बॉटम बन चुका है। इवन फॉर पीएनबी भी मैं बोलूंगा कि वो चीज बन चुकी है। एक अच्छा मूव चला 60-62 रुपए तक, वहां से एक करेक्शन चल रहा है। करेक्शन का मोटा मोटी सेकेंड क्वार्टर चल रहा है मेरे हिसाब से, और ओवरऑल ब्रेकआउट मुझे अभी भी लगता है कि ऊपर की साइड में आना चाहिए। बट क्योंकि इनकी प्राइसिंग थोड़ी ऊपर के लेवल की है, तो भाव आते आते 1 से 3 महीने, इनके 1 महीना तो लग जाएगा, 3 महीने भी लग सकते हैं। बट मेरे हिसाब से ट्रेंड में बने रहना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टू मीडियम टर्म ट्रेंड पीएसयू बैंकिंग स्पेस का, या मैं पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स बोलूं, तो दोनों का अच्छा दिख रहा है। तो फिलहाल इस ट्रेड में बने रहें और एटलीस्ट 3-6 महीने और दे। और कैनफिन होम्स में 553 का भाव, इसमें तो प्रॉफिट में ही है। देखिए कैनफिन होम में मैं इनको बोलना चाहूंगा कि अगले उछाल में पूरी तरह से डेफिनेटली यहां से निकलने की कोशिश करें, और जब तक, क्योंकि ऑलरेडी ट्रेड ले लिया है, और फिलहाल जब तक ट्रेड में बने हैं तब तक 538.40 का एक स्टॉप लॉस जरूर बना के चलें, और उछालों में यहां से निकलने की कोशिश करें। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा 590-600 के ऊपर जाके टिक पाएगा, तो उस एरिया में आए तो मुनाफा वसूल लें, और फिलहाल के लिए जैसे मैंने बोला एक स्टॉप लॉस लगा के रखें। 548.4 का स्टॉप लॉस लगाइए और उछाल पर निकलिए। कैनफिन होम्स अभी भी आप 10 रुपए फायदे में है, और पीएनबी में समय लगेगा लेकिन भाव आ सकता है। अच्छा एक सवाल जनरली जो दर्शक लोग पूछते हैं कि जैसे कोई ट्रेड उन्होंने ले लिया और उनको उस पर प्रॉफिट होने लगे, तो कितने प्रॉफिट में उनको निकल जाना चाहिए? क्या एक 10% 5, क्या एक जनरल रूल क्या होता है ट्रेडर के लिए? देखिए मोटा मोटी सबके लिए बता देता हूं, अगर इससे लोग इत्तेफाक करें तो, जो हमने मोटा मोटी अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि अगर आप मोमेंटम ट्रेडिंग कर रहे हैं, इंट्राडे तो मैं बोलता नहीं किसी को करने के लिए, अगर आप मोमेंटम ट्रेडिंग करते हैं तो आपके पास 2-3% का स्टॉप लॉस रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक की बात कर रहा हूं, इंडेक्स की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आप मोमेंटम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 2-3% का स्टॉप लॉस और तकरीबन 5-6% का प्रॉफिट, ये अगर आप कमाने की कोशिश करेंगे और मोमेंटम ट्रेडिंग करेंगे आप हफ्ते 10 दिन वाली, तो उसमें आप ये टारगेट्स लेके चले एवरेज। अगर आप थोड़ी पोजिशनल कर रहे हैं जहां 1-3 महीना आप रखना चाहते हैं, तो वहां आप ये समझ के चलें कि 4-5% के आपके स्टॉप लॉस होंगे और आप कमाने की कोशिश करेंगे 10-12% या 13% के करीब, 1:2 के हिसाब से आप वहां कमाने की कोशिश करेंगे। और जब आप चले जाते हैं कि मैं 12 महीने प्लस में खड़ा रहूंगा, तो उन केसेस में आप डीप स्टॉप लॉसेस लेते हैं, विचार अराउंड 10-15% के आप स्टॉप लॉसेस से कंफर्टेबल होना पड़ेगा आपको, और आप उस समय एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं 20% 25% या 30% इन स्टॉक्स में कमाऊंगा।
ये एक ब्रॉड दायरा है, इन्हीं के एवरेजेस में आई थिंक ये सारे सेटअप्स चलते हैं। ठीक, अच्छा एक आदर्श अग्रवाल जी है मऊ उत्तर प्रदेश से, सवाल भेजे, 3-4 सवाल भेजे लेकिन आप क्विक क्विक जवाब दे सकते हैं इनका। टाटा पावर इनके पास 42 रुपए के भाव के 800 शेयर है और वोडा इन्होंने वोडा छोड़ देना चाहिए, वोडा 7 रुपए के इन्होंने ले रखा है 1000 शेयर, महिंद्रा एंड महिंद्रा ले रखा है 590 पे 50 शेयर, ITC 210 पे ले रखा है, टाटा पावर बताइए 42 रुपए वाला 800 पे है। टाटा पावर तो नो ब्रेनर है इनके लिए, इनका इतना बढ़िया प्राइस है कि इनको तो बोलूंगा कि भाई आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से बने रहिए, और जैसे मैंने अभी बोला कि बहुत ज्यादा 175 के नीचे नहीं लग रहा है तो 175 के 170 को 40 पे क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगा के रखें, और किसी कारण से अगर उसके नीचे जाए तो आधी क्वांटिटी बुक कर लें, आधी क्वांटिटी इनकी टाटा पावर में फ्री हो जाएगी। ओके, बाकी ITC भी इनका 210 का है, MNM 590 का है, तो सब होल्ड करने लायक है मेरे ख्याल में। जी जी, ITC भी मैं इनको कहूंगा कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से होल्ड रखें, जहां पे इनको कंफर्ट आया अभी तो बहुत डीप इन द मनी है, तो ऑलमोस्ट ये भी कहीं अगर 200 का लेवल आपने बोला तो ये भी ऑलमोस्ट डबल के आसपास कहीं आ रहा है, ऊपर में कहीं बेचना चाहे तो आधी क्वांटिटी बेच लें जहां पे कंफर्ट लगे, आधा पैसा हमेशा के लिए, आधी स्टॉक इनकी ITC की हमेशा के लिए फ्री हो जाएगी। MNM के केस में भी ऑलमोस्ट वही है, आई थिंक बहुत डीप इन द मनी है, अच्छा ट्रेड है, बने रहे। एक्चुअली अगर थोड़ा हमको शुरू में सुनते, लास्ट ईयर भी सुन रहे होते तो थोड़ा बेच के अगर लेते, सबको मैं क्या बोलता हूँ पोर्टफोलियो ट्रेडिंग भी करनी पड़ती है कभी कभी, बेच के लेना भी आना चाहिए। अगर आप बेच के किसी अच्छी चीज को 20-25% नीचे ले पाए उसी साल में तो आपके बहुत बेहतरीन लॉन्ग टर्म रिटर्न बनेंगे, मतलब वो कंपाउंडिंग आप सोच नहीं सकते कितनी ज्यादा होगी आपकी। जी, खाली प्योर बाय एंड होल्ड से अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा बीच में ट्रेड करना आना चाहिए। चलिए एक सवाल और लेते हैं, विनीश गुप्ता हैं जम्मू से हमारे साथ। विनीश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। सर डेल्टा क्रॉप के शेयर है, 100 शेयर है 190 के रेट पे, तो क्या करना चाहिए? शॉर्ट टर्म ट्रेडर है 3 मंथ्स के लिए। 3 महीने के लिए डेल्टा कॉर्प 190 पे लिया इन्होंने, एकदम प्राइस टू प्राइस चल रहा है अभी, 100 शेयर हैं, क्या करना चाहिए इनको? देखिए अगर डेल्टा कॉर्प कर रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ कि हाई रिस्क ट्रेडर है, क्योंकि बड़ा हाई बीटा स्टॉक है, बहुत वाइड स्विंग्स और दोनों तरफ बहुत लंबी चालें इसकी रहती हैं, तो अज्यूम करके चल रहा हूँ कि उस रिस्क से कंफर्टेबल है। अगर उस रिस्क से कंफर्टेबल है तो आई थिंक ट्रेड में बने रहे, अच्छा मूव रहा है पीछे से अभी जो करंट मूव चल रहा है, तो 173 के नीचे स्टॉप लॉस रखें, 172-180 का स्टॉप लॉस रखें, आर्ली क्लोजिंग बेसिस पे रखें, अभी इसको डेली क्लोजिंग बेसिस पे नहीं रख सकते, आर्ली क्लोजिंग बेसिस पे एक 172-180 का स्टॉप लॉस रखें और ट्रेड में बने रहें। मुझे लगता है 205-210 तक जा सकता है, तो फिलहाल ट्रेड में बने रहें और उसका मजा लें ट्रेड का। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।